Hello everyone, good morning. Welcome back on an academy platform, India's largest learning platform for preparation of an exam. Well, join everyone fast, join as soon as possible and crack CSIR exam with India's best learning platform. Because आपको यहाँ पे complete education provide किया जाता है, वो भी भारत के best educator के through. और well, subscriptions, get subscription and access unlimited live and recorded courses. अनलिमिटेड क्लासेस में आप पार्टिसिपेट करिए, डिफरेंट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको यहाँ पे. तो ज्वाइन एवरीवन फास्ट. माय नेम इज अजय कृष्ण पाठक. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. आप लोगों का चल रहा है क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में बात करेंगे. हमने लिगेंड फील्ड थियरी को पढ़ लिया है, क्रिस्टल फील्ड थियरी को उसके बाद पढ़ रहे हैं. इसमें जो कुछ बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और क्रिस्टल फील्ड थियरी के एप्लीकेशन पोर्शन को करेंगे. तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन करिए. और बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास, मैं आप लोगों को बता दूं कि पोल ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिए. यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म नेम रिएक्शन एज वेल एज रिएजेंट सबके क्वेश्चन कराए जाएंगे. 9 PM पे आपका ये पोल आज का होगा. तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए इस क्लास में, बिकॉज क्लास विल बी वेरी हेल्पफुल and we will be solve a number of questions for you that will be very important for your upcoming examinations. And the concept is the most important. Direct question पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, but the concept is the most important. Okay, so trying to learn a concept, don't trying to waste your time in an inappropriate platform. Okay, well, सभी लोग अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन परचेस करिए, बिकॉज अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो यू विल बी गेट, आपको मौका मिलेगा वेल सिस्टमैटिक कोर्स के थ्रू इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे एंड लाइव क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. आप अपनी चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर से पढ़ सकते हो, लाइव पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हो. लर्न एनी वेयर एनी टाइम, कहीं पर रहिए, बस पढ़ाई करते रहिए. वीकली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए. प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, प्राइस कुछ खास नहीं है, सभी लोग प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, प्लस एंड आइकॉनिक. दोनों के बारे में बात करें तो प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, आइकॉनिक में भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, बट पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाएंगे आपको आइकॉनिक में, जो आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं प्लस में, और आइकॉनिक में भी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो आपको आइकॉनिक में मिलती है. स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF आपको मिलते हैं, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल जो है वो आपको सिर्फ आइकॉनिक में प्रोवाइड किए जाते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी दोनों जगह पे है, बट SOP एंड इंटरव्यू की अगर तैयारी करनी है तो ये फैसिलिटी सिर्फ आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड की जाएगी. अगर हम बात करें आइकॉनिक के फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 45,000 रुपीज है, 12 मंथ के कोर्स की फीस 26,000 रुपीज है, 6 मंथ के कोर्स की फीस 18,000 रुपीज है. रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे तो रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. रेफरल कोड मेरा जो है AKRISH10 है, और साथ ही साथ आप जो है इन्हें नो कॉस्ट EMI ऑप्शन पर भी परचेज कर सकते हैं, EMI पे परचेज कर सकते हैं, जिसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा. आप जैसे कंफर्टेबल फील करें वैसे आप परचेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को. प्लस के बारे में बात करें तो 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के कोर्स की फीस जो है 20,000 रुपीज है, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के कोर्स की फीस 14,500, 6 मंथ का अगर आप लेना चाहते हैं तो 11,600 रुपीज है. यहाँ पे भी नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल है, और नो कॉस्ट EMI का मतलब आप समझ रहे हो कि नो कॉस्ट EMI में आप क्या है कि यू कैन इजिली परचेस, आप आसानी से परचेस कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा. आगे हम लोग अगर डिस्कशन करें तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपके पास नहीं है तो जाइए इसे इंस्टॉल करिए, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए. CSIR UGC नेट सेलेक्ट करना है, CSIR UGC नेट सेलेक्ट कर लीजिए. मेगा ऑफर अभी आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए चल रहा है. 6 मंथ का कोर्स परचेज करेंगे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 मंथ का कोर्स परचेज करेंगे 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा. ऑफर जो एप्लीकेबल रहेगा वो सिर्फ प्लस पे रहेगा 25th से 31st अक्टूबर तक. तो इस ऑफर का भी फायदा उठाइए, और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद पेमेंट जब आप करना चाहेंगे तो आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं. आपने अगर EMI ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वो भी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास रजिस्टर्ड UPI ID है तो आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं. अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं. और बात करें तो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वीडियोज में आइडेंटिफाई करिए, क्लेम करिए और प्राइज जीतिए.
ठीक है, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वीडियो में आइडेंटिफाई करिए, क्लेम करिए और प्राइस जीतिए। और कंटेंट आइडेंटिफाई करने के बाद जो क्लेम करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको फॉर्म अवेलेबल है, आप वहां से फॉर्म ले सकते हो क्लेम करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। वेल, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं जिसके बारे में आगे चलना है। ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। हम लोगों ने आगे जो है जहाँ से चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है वो आप डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में? क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में डिस्कशन करना था आज हम लोगों को, क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने इसके पहले जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी और वैलेंस बॉन्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है, वीबीटी के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है आपका ऑक्टाहेड्रल का जो क्रिस्टल फील्ड थियरी था उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थियरी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इसके बाद सीधा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, दोनों का कंपेयर करेंगे, ऑक्टाहेड्रल और क्रिस्टल फील्ड का और टेट्राहेड्रल का दोनों का कंपेयर करेंगे, क्यूबिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड थियरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड थियरी ऑफ, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल नहीं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल का तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन कर लिया है। तो नाउ क्रिस्टल फील्ड थियरी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, डन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो इसे समझोगे आप कैसे? ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप एक क्यूब बना लो और क्यूब के थ्रू आप समझ लो, सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका होता है। और आप ये देख लो कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेटल के कौन से ऑर्बिटल, मतलब जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन डी ऑर्बिटल्स में कौन कौन से ऑर्बिटल लिगेंड की प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं, जो जो ऑर्बिटल लिगेंड की प्रॉक्सिमिटी में आएंगे उनकी एनर्जी में चेंज ज्यादा मिलेगा, और जो ऑर्बिटल लिगेंड की प्रॉक्सिमिटी में कम आएंगे उनकी एनर्जी में चेंज कम मिलेगा। ठीक है, तो जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो हाउ वी अरेंज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आप कहीं ना कहीं किसी रूम में बैठे होंगे तो सिंपल सा इसके लिए एक सबसे आसान तरीका होता है कि पहले आप एक क्यूब बना लो। क्यूब बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, क्यूब विल बी बिल्कुल बिहेव करेगा आपके रूम की तरह। ठीक है, एकदम सबसे आसान तरीका जो होता है कि आप एक क्यूब बना लो और क्यूब के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और क्यूब जब आप बनाओगे तो यू विल बी रियलाइज्ड कि कौन कौन से लीगेंड जो हैं वो आपके प्रॉक्सिमिटी में आएंगे और कौन कौन से लीगेंड जो हैं वो आपके लीगेंड की प्रॉक्सिमिटी में, कौन कौन से ऑर्बिटल जो है वो लीगेंड के प्रॉक्सिमिटी में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, और क्यूब बनाने के बाद हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि दिस इज योर जेड एक्सिस, ये आपकी जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी जेड एक्सिस है जो सेंटर से, क्यूब के बिल्कुल सेंटर से आ रही है। ठीक है, ये आपने जेड एक्सिस मान ली, ये आपने क्या मान लिया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आइदर आप क्या मान लो, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी आपको समझ में आए, जैसे भी हम जिसको भी समझ लो, आप एक्स एक्सिस मान लो या वाई एक्सिस मान लो। उसके बाद ये अगर आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे हम लोग, वाई एक्सिस के बारे में डिस्कस करें, बिकॉज ऑर्बिटल्स का जो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन है आप इसी के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाई एक्सिस के बारे में बात करें तो वाई एक्सिस आपकी तरफ आ रही है, ये आपकी तरफ आ रही है, ये ध्यान रखना यहाँ कॉर्नर पे नहीं है, ये आपकी तरफ आ रही है और आपसे दूर जा रही है, इनसाइड द क्यूब जा रही है। ठीक है,
इन साइड द क्यूब, पेपर के अंदर जा रही है आपकी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि जब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल सिमेट्री की, तो अगर एक लिगेंड्स आपका यहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड आपका कहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो दूसरा लिगेंड एक कॉर्नर छोड़ के कहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ से। जैसे आप अगर रूम में बैठे हुए हो, रूम में अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड का एक कॉर्नर से लीगेंड अप्रोच कर रहा है, तो दूसरा वाला आपके राइट हैंड साइड के ऊपर वाले कॉर्नर से अप्रोच करेगा, एक अल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच करेगा। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर टू लीगेंड्स के बारे में आप जब डिस्कशन करोगे, तो एक लीगेंड आपका अगर इस कॉर्नर से अप्रोच कर रहा है, तो नेक्स्ट लीगेंड आपका कहाँ से किस कॉर्नर से अप्रोच करेगा, इस कॉर्नर से अप्रोच करेगा। ये चार लीगेंड्स आपके अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये फोर लीगेंड बीच में हमने क्या रख दिया, बीच में हमने मेटल रख दिया है भैया, समझ गए। बीच में आपका क्या है, मेटल है। बीच में जो आपका है वो क्या है, मेटल है। अब बीच में अगर आपने मेटल रख दिया, लीगेंड्स अगर इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर हम डिस्कशन करें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की, तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो आएगा आपका कहाँ आएगा, डी जेड एक्सिस पे, ठीक है। और अगर हम बात करें डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की, तो डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई ऑर्बिटल ऑर्बिटल कहाँ से आएंगे, एकदम परफेक्टली आपके एक्स एक्सिस पे आएंगे, और किस पे आएंगे, वाई एक्सिस पे आएंगे। यू कैन इमेजिन इजिली, या तो अगर आप क्यूब बना के समझना चाहते हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्यूब बना के समझ सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो जैसे हम एक और क्यूब बना लें, इस क्यूब में अगर हम बात करें कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कहाँ पे आएगा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर क्यूब, हम क्यूब बना ले रहे हैं, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आपका कहाँ पे आएगा, जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे लाई करेगा। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसके बारे में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के बारे में, तो एक क्यूब आप और बना लो, एक क्यूब जब आप और बना लोगे, तो इससे आपकी डिस्टेंस आप विजुअलाइज कर सकते हो। ये सारा विजुअलाइज है, अभी हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस पे नहीं जा रहे हैं, मैथमेटिक्स से पे नहीं जा रहे हैं। आप एक बार खुद सोच लोगे यहाँ से बहुत आसानी से, कि आप, आपको ये सारी चीजें विजुअलाइज्ड दिखेंगी। हम अगर बात करें तो ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है, जो आपकी क्या आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, साथ ही साथ क्या जा रही है, आपसे दूर जा रही है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की बात करें, तो ये आपका कहाँ आएगा, ये आपका आ रहा है इन बिटवीन जो आपका ये है, क्या कहते हैं, जब हम बात कर रहे हैं क्यूब की बात कर रहे हैं, तो ये इन बिटवीन क्यूब आ रहा है। लिगेंड अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, और कहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, इसमें कहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से, यहाँ से, और सिमिलरली यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये सब के इसमें से ना तो डी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल, ना डी वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, और ना ही डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है दोनों में से जो लीगेंड के प्रॉक्सिमिटी में या लीगेंड के रास्ते में आ रहा हो, ठीक है। सेम जब हम बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में जब हम बात करेंगे, जब आप बात करोगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल के बारे में, तो ये दोनों का ओरिएंटेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता हूं, तो ये एक्स एक्सिस और आपकी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस बना ली और ये मैंने वाई एक्सिस बना ली, ये यहां से बना रहा हूं मैं, ये मैंने वाई एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस ये बिलो द प्लेन जा रहा है, बीच में से एकदम क्यूब के जा रहा है, ये ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कहाँ रहते हो आप लोग, इतना लेट कैसे ज्वाइन करते हो। ये वाई एक्सिस बना ली।
अब इसमें क्या होता है, ये इन बिटवीन एक्सिस लाई करता है, क्या करता है, इन बिटवीन एक्सिस लाई करता है। अब जब सीधी सी बात है, जब लिगेंड्स क्या है, जब लिगेंड्स जो है आपके आ रहे हैं इन कॉर्नर से, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में किसके होंगे, इन बिटवीन एक्सिस वालों के ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में होंगे। तो टेट्राहेड्रल में आप क्या क्या होता है कि जो इनकमिंग लीगेंड होता है, इनकमिंग लीगेंड जो होता है आपका, वो मोर एकदम एक्सिस से तो आता नहीं है, मोर प्रॉक्सिमिटी ऑफ इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल, इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल, इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल कौन कौन से लाई कर रहे हैं आपके, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल, ठीक है, इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल। हेंस हेंस एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल इंक्रीजेस मोर देन ऑर्बिटल लाई ऑन एक्सिस, मोर देन ऑर्बिटल लाई ऑन एक्सिस। कौन कौन से ऑर्बिटल है जो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज वेल एज डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है, इनके कंपैरिजन में क्या होगा, इन बिटवीन एक्सिस वाले ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इनहेंस्ड करेगी। जबकि अगर हम बात करें किसके बारे में, जैसे अब अगर हम बात करें आपके ऑन एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स की, तो इनकी एनर्जी क्या है, कम इनहेंस्ड करेगी, बिल्कुल स्प्लिटिंग वैसे ही होगी। आई होप विजुअलाइज्ड कर पा रहे हो कि नहीं, बोलो कोई डाउट है तो पूछो, क्या ये समझ पा रहे हो या आपकी नहीं। देखो यहाँ 3D में दिखाना तो मुश्किल है, इट सब कुछ डिपेंड कर रहा है, अगर आपने कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है, आपका कॉर्नर से आ रहा है ऑर्बिटल्स जो लाई कर रहे हैं, जो ऑन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, वो इस आपके वॉल के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑन द एक्सिस लाई कर रहा है वो आपके आपका जो रूम है उस कॉर्नर से लिगेंड आ रहा है, एक कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर से आ रहा है, एक उसके जस्ट सामने वाले कॉर्नर से आ रहा है, ऊपर वाले से ही, एक नीचे के कॉर्नर से आ रहा है, दूसरा उसके जस्ट सामने वाले कॉर्नर से आ रहा है। जब मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल जो मेरा लाई कर रहा है वो बीच में लाई कर रहा है। अब एक्सिस जो है, एक्सिस कैसे आपकी लाई कर रही है, एक्सिस लाई कर रही है जस्ट 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे लाई करने का क्या मतलब है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 90 डिग्री पे लाई करना का मतलब इन बिटवीन रूम आपकी एक्सिस लाई कर रही है। जब हम ऑन एक्सिस ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे तो लीगेंड से डिस्टेंस उसकी ज्यादा है, जैसे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के बारे में बात कर लें या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में, बट जब हम इन बिटवीन एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो ये लीगेंड के ज्यादा प्रॉक्सिमिटीज में आएगा, ठीक है, आप खुद ही समझ सकते हो, जो जब ऑन द एक्सिस की बात कर रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को भाई, बता ना। तो रिपल्सन डेफिनेटली इन बिटवीन एक्सिस के ऑर्बिटल्स में ज्यादा होगा, इन बिटवीन एक्सिस में कौन कौन लाई कर रहा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है। अब आप देखो, जब हम टेट्राहेड्रल में बात करते हैं, जब डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे, व्हेन हम जब डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे, आपके 5d ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये 5d ऑर्बिटल जब इनकी तरफ लीगेंड अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली पहले इनकी एनर्जी क्या होगी, इनहेंस्ड होगी, ठीक है, और इनहेंस्ड होने के बाद जैसे अप्रोच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा, ठीक है, कंफर्म है ना। जैसे जैसे आपका क्या कहते हैं, जैसे 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 हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल के बारे में डिस्कशन किया था कि एज लिगेंड्स कम इन प्रॉक्सिमिटी देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल विल बी इंक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज वन सेट ऑफ ऑर्बिटल इज अ कम्स इन मोर प्रॉक्सिमिटी ऑफ लिगेंड व्हाइल द अनदर सेट ऑफ ऑर्बिटल इज नॉट कम्स इन मोर प्रॉक्सिमिटी ऑफ लिगेंड, ठीक है, तो पहले आपके क्या होगी, थोड़ा सा ऊपर बनाए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है,
ये थोड़ा ऊपर बन गया आपका, इसलिए दिक्कत हो रही है। वेल, क्या होगा? अब जो आपके ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल आ रहे हैं आपके लिगेंड से ज्यादा डिस्टेंस पे, वहां रिपल्सन कम, और जो लिगेंड्स के ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं वहां रिपल्सन ज्यादा। अब क्या होगा? ये आपकी क्या होगी? स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग जब होगी तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर की एनर्जी लोअर, जबकि आपके dx y की और dy z की एंड dz x की एनर्जी क्या होगी? हायर। ठीक है, ये बैरिसेंटर है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी गैप होता है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। दिस एनर्जी गैप इज अ व्हाट? दिस एनर्जी गैप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, ये आपका मेटल है, इस मेटल के ऑर्बिटल्स को चार लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं 109 डिग्री से, 109 डिग्री से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप ऑन द एक्सिस वाले को एंगल से भी समझ सकते हो। ठीक है, 109 डिग्री से अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड, ऑन द एक्सिस के बारे में बात करेंगे एक दूसरे के 90 डिग्री में, तो वो एंगल भी विजुअलाइज कर सकते हो। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो किसके लिए रही है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? वी रिप्रेजेंट विद अ डेल टी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसे? डेल टी। टी स्टैंड फॉर व्हाट? टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम डेल टी के बारे में बात करते हैं, डेल टी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो डेल टी की जो वैल्यूज है, अगर आपको ऑक्टाहेड्रल की वैल्यूज दी हुई हो तो आप ऑक्टाहेड्रल की वैल्यूज से भी डेल टी की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? 4/9 क्या होता है आपका? 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जो ऑक्टाहेड्रल होती है उस ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज की 4/9 ये वैल्यूज होती है। 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल आप करोगे तो ये वैल्यूज होती है। ये कैसे डिसाइड किया गया? ये डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर हैं। पहला, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे थे तो 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो रिपल्सन होगा, ठीक है, वो मोर होगा। जब हम टेट्राहेड्रल में बात कर रहे हैं तो आपके कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं? 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा? वो लेस होगा। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे उसमें 2 लिगेंड जो आ रहे थे ऑन द एक्सिस आ रहे थे, यहाँ पे एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल को इफेक्टेड नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली रिपल्सन ज्यादा होगा। और स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन्स टू टेट्राहेड्रल। मतलब ये कंक्लूजन निकल के आता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन अ टेट्राहेड्रल। व्हाई? पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल ग्रेटर देन नंबर ऑफ लिगेंड इन टेट्राहेड्रल, ड्यू टू विच देयर इज अ मोर रिपल्सन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्प्लिटिंग बिटवीन T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग बिटवीन E सेट एंड T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल। वी आर नॉट यूजिंग अ जेड अनजेड कॉन्सेप्ट हियर। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप थियरी। ओके, हम यहाँ E और T2 टर्म्स के बारे में ही बात करेंगे, हम Z-rate कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। क्यों? ये आप ग्रुप थियरी में पढ़े होंगे या आप पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, ये मेरे हाँ यहाँ डिस्कशन का मैटर नहीं है। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाई वाई ये वाला, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि द नंबर ऑफ लीगेंड, दी नंबर ऑफ लीगेंड, द नंबर ऑफ लीगेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द नंबर ऑफ लीगेंड्स इन टेट्राहेड्रल 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कैसे निकाल लोगे आप? जब ऑक्टाहेड्रल में आप बात कर रहे हो तो ऑक्टाहेड्रल में 6 लीगेंड है,
टू बाई थर्ड का मतलब 2/3, ठीक है। टेट्राहेड्रल में आपके कितने लिगेंड्स है? 4 लिगेंड, ठीक है। 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देयर फोर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज ऑल्सो 2/3। देयर फोर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डेफिनेटली जहां पे स्टेबलाइजेशन ज्यादा वहीं पे डिस्टेबलाइजेशन ज्यादा, ठीक है। देयरफॉर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, देयरफॉर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज ऑल्सो 2/3। जहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा वहीं पे स्टेबलाइजेशन ज्यादा वहीं पे डिस्टेबलाइजेशन भी ज्यादा। वेल, पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं, सेकेंड फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सेकेंड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, तो वो देखो डिस्टेंस वाला फैक्टर है। उसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, कि कैसे डिस्टेंस वाला फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज उसमें काफी टाइम्स लग जाएगा हम लोगों को। तो 2/3 जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है? डिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से आता है? डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की वजह से, ठीक है। ये वही है, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब क्या था कि जब हम बात कर रहे हैं इधर dx² ऑर्बिटल में क्या था, तो टेट्राहेड्रल लिगेंड्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आ रहे थे, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, dz² ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आपको मिल रहा था? ऑन द एक्सिस से। तो ये लिगेंड के डिस्टेंस की वजह से 2/4, डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ अप्रोच, डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ अप्रोच। पढ़े होंगे आप लोग ये लोग ये चीजें, इसको यहाँ कॉपी पे समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है लिख लिख के, ठीक है। डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ अप्रोच की वजह से। तो जब हम बात करते हैं डेल टी के बारे में, तो डेफिनेटली 2/3 × 2/3 जब आप करोगे डेल ऑक्टाहेड्रल के, तो ये डेफिनेटली आपका क्या होगा? 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, कंफर्म। वेल, अगर अब हम बात करें, वी आल्सो स्टडीड अबाउट दैट सिमिलरली, अगर मैं क्यूबिक के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? क्यूबिक के बारे में, यहीं पे क्यूबिक के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक में आपका क्या हो जाता है? क्यूबिक में आपका क्या होता है? जब आप क्यूबिक के बारे में बात करोगे तो नंबर ऑफ लीगेंड इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ लीगेंड्स जो हैं आपके क्या हो जाते हैं? वो इंक्रीज कर जाते हैं। डेफिनेटली क्यूबिक के बारे में जब आप बात करोगे तो नंबर ऑफ लीगेंड्स क्या हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं, कंफर्म। अब जब नंबर ऑफ लीगेंड्स आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ लीगेंड अगर आपके 8 हो गए, तो डेफिनेटली जब आप बात करोगे तो एंगल ऑफ अप्रोच क्या होगा? अब आप बस ध्यान देना, नंबर ऑफ लीगेंड क्यूबिक के केस में क्या हो गए? आपके इंक्रीज कर गए, ठीक है। ये चीजें हो गई, नंबर ऑफ लीगेंड जब क्यूबिक के केस में इंक्रीज कर गए, तो जब क्यूबिक के डिस्कशन के बारे में बात करोगे, तो जो आपका टेट्राहेड्रल का होगा, क्यूबिक में 8 लीगेंड हो गए, तो अगर टेट्राहेड्रल के बारे में बात करो तो ये क्यूबिक का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 × 2 दुगुना लीगेंड हो गया। 2 × क्यूबिक वाले केस में क्या हो गया कि 2 × लीगेंड्स हो गए, 2 × लीगेंड्स हो गए, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी सिंपल कि अगर टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे, टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? डेल टी, 2 δ t। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। ये जो हमने बात किया डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर बाय पर लिगेंड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल विच हैव मोर सर, अरे डेफिनेटली भाई मेरे, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन स्टेबलाइजेशन एंड डिस्टेबलाइजेशन।
फैक्टर की जब आप बात करोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे, तो जब डिस्टेबलाइजेशन के बारे में डिस्कशन आप कर रहे हो, अच्छा मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो, जब मैंने उसके बारे में यहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं लिखवाई थी। ओके ओके ओके, तो आप यही पूछना चाह रहे हो क्योंकि मैंने इस वैल्यूज के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। जब यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेबलाइजेशन के बारे में, अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 0.6 डेल्टी होता है, और यहाँ पे इस आपका स्टेबलाइजेशन 0.6 डेल्टी, और यहाँ -0.4 डेल्टी होता है, ठीक है। और वहां जब आप बात करते हो डिस्टेबलाइजेशन 0.4 डेल्टी है, ठीक है, और जब आप वहां पे बात करते हो ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो डिस्टेबलाइजेशन क्या हो जाता है, इट्स अ वेरी सिंपल, डिस्टेबलाइजेशन वहां पे आपका क्या हो जाता है, 0.6 और 0.4, बस सीधा कोरिलेट कर लो उससे, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या परेशान होने वाली जरूरत है मेरे दोस्त, क्लियर। ये 0.6 या 6 DQ, ये 0.4 DQ, ये डिस्टेबलाइजेशन है, इधर इधर आपका क्या है, स्टेबलाइजेशन फैक्टर है। यू कैन सिंपली कैलकुलेट एवरीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, हम लोग क्वेश्चन क्या है, टेट्राहेड्रल में क्वेश्चन आपका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया यार, यस यस, अरे स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो नेगेटिव लिखना है, इसको पॉजिटिव लिखना, अब ये भी तो नहीं समझाना पड़ेगा। वेल, एक क्वेश्चन है आप करना, एक तो आपसे पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा किसका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल, विच वन इज अ ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ क्यूबिक। हाँ डेफिनेटली, डोंट वरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ क्यूबिक इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, विच वन इज अ ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें बताना है आप, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ, जब बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल, विच वन इज अ ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ क्यूबिक, विच वन इज अ ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल, एंड ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ क्यूबिक इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल, फिर आपका क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, बताओ इसमें से कौन सा होगा। ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कहां पे होगा, कमेंट कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, बोलो भैया, बोल दियो, ये माइनस ये प्लस लिखियो, नहीं तो कलाकार पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लेंगे। जाहिर सी बात, सबसे ज्यादा किसका होगा, मुझे भी पता था कि आप लोग बी सी करोगे, इसी में बी सी, अरे सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में होगी, क्यूबिक और टेट्राहेड्रल का अभी हम बात कर रहे हैं, 2 बाई होगा, टेट्राहेड्रल का 2 टाइम्स होगा, क्यूबिक के केस में नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, 2 टाइम्स है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल के कंपेयर में ये क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो ऑक्टाहेड्रल का केस जो है इसके कंपेयर में ज्यादा होगा,
यू कॉन्ट सी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली नंबर ऑफ लिगेंड, एंगल ऑफ अप्रोच पे भी डिपेंड करेगा, यही समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? कंफर्म है गुरु? यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो अभी क्या है, अभी तो ये छोटी चीजें हैं, इसे आप सीख लो। ऑक्टाहेड्रल, फिर क्यूबिक, फिर टेट्राहेड्रल, ये करेक्ट आंसर होगा, सी, बी नहीं होगा। पढ़ने की जरूरत है। अभी देखो, एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं मिल रहा है, ठीक है? अभी जब आप आगे की स्प्लिटिंग पढ़ोगे तो ज्योमेट्री डिपेंडेंट सारी स्प्लिटिंग होंगी, ठीक है? ज्योमेट्री डिपेंडेंट सारी स्प्लिटिंग होंगी, तो वहां पे चेंज इन एनर्जी आपको मिलेगा। ये कैलकुलेट करके बताओ थोड़ा सा आप, CO(Cl4-2) की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CO(Cl4-2) की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हाँ, एक चीज और छूट रही है यार, एक चीज और छूट गई यहाँ पे। जब इस स्प्लिटिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो यहाँ पे आपका क्या होता है इस वाले केस में, कि डेल टी जो होता है, डेल टी इज लेस देन अ पेयरिंग एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या मिलेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखना, ये स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी एनर्जी पेयर्ड कराने के चाहिए, उससे बहुत कम होती है, ठीक है? उससे बहुत कम होती है। क्लियर? समझ रहे हो? बट ये रूल एप्लीकेबल तभी होगा, ये रूल एप्लीकेबल तभी होगा, 4/9 वाला रूल एप्लीकेबल तभी होगा जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लीगेंड्स क्या होंगे, सेम होंगे, एंड लीगेंड्स क्या होंगे, सेम होंगे, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। मतलब मेटल और लिगेंड सेम होने चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टेट्राहेड्रल को उठा के उसके ऑक्टा, किसी भी मेटल के ऑक्टाहेड्रल से कंपेयर कर दिए, ठीक है? ओके, यस, ये ध्यान रहे। इसका कैलकुलेट करके बताना, CO(Cl4-2) का, फटाफट इसकी CFSC कैलकुलेट करके बताओ भैया। टेट्राहेड्रल में CFSC क्या होगी? आप CFSC का फार्मूला ही नहीं लिखे यार, CFSC आप कैलकुलेट कैसे करोगे टेट्राहेड्रल में? हाउ यू विल बी कैलकुलेट CFSC इन अ टेट्राहेड्रल, बोलो। जब हम बात करेंगे तो -0.6 इंटू T2 के इलेक्ट्रॉन प्लस 0. सॉरी, E के इलेक्ट्रॉन होंगे ना यहाँ, E के 0.4 इंटू T2 के इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और यहाँ पे क्या आपका डेल्टी, डेल्टी कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या है, +2 में है। किसने किया? -1.2 किसने किया? वेरी गुड, कोबाल्ट +2 में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D7। टेट्राहेड्रल फील्ड में जब आप बात करोगे तो ये दो, ये तीन, 7 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दो, वेरी सिंपल, 5, 6, 7, टोटल आपके कितने हो गए, 3 + 4, 7, क्या हो जाएगा आपका, -0.6 × 0.6 × 4 +0.4 × 3, ठीक है? कितना हो जाएगा, -2.4 + 1.2 इज इक्वल टू कितना, -1.2 डेल्टी। वेरी गुड आरजू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है? अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, क्या
COCl6 कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, व्हाट? COCl6, COCl6-4 कॉम्प्लेक्स है, जिसमें डेल ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यूज है वो क्या है, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपको बताना है COCl4, COCl4-2 में डेल टी की वैल्यू ये कितना होगी। ऑप्शन ए 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन बी 9,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी। कैलकुलेट करके बताइयो भैया, सब भी कलाकार। 2,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन डी 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट करके बताना सभी लोग फटाफट, जितने लोग भी हैं, किसना कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। कैलकुलेट फास्ट। COCl6-4 की ऑक्टाहेड्रल में जो वैल्यूज है वो 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। आपको टेट्राहेड्रल में बताना है इसी कॉम्प्लेक्स का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी। आरजू ने कहा डी, बाकी लोग निशा डी, कोमल डी, आरजू डी, आरजू, यस, वेरी गुड। जब हम बात करेंगे डेल टी के बारे में, तो डेल टी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आपने अभी क्या पढ़ा था, 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में दे रखा है, तो 4/9 इंटू 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स कर दो आप। ठीक है, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स करोगे, ये आपका क्या आएगा, 2,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और 2,000 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 4 जब आप करोगे क्या आएगा आपका, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। बट ये ध्यान देना, यहाँ पे भी आपका क्या है, कोबाल्ट प्लस 2 है, यहाँ पे भी आपका क्या है, कोबाल्ट प्लस 2 है, यहाँ पे भी लीगेंड आपका क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे भी लीगेंड आपका क्या है, क्लोरीन है। ये तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज और किसी केस में एप्लीकेबल मत कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बी फोकस अबाउट दैट। ठीक है गुरु, ये बताओ ZnCl4, ZnCl4 की जो वैल्यू है, ZnCl4-2 की जो CFSC है वो क्या होगी, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए -0.4 डेल्टी, ऑप्शन बी -0.6 डेल्टी, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, नन, बता दो फटाफट। ये तभी लगाएंगे जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा और लीगेंड सेम होंगे, तभी वर्क करेगा। अदरवाइज मेटल का बदल दिया आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट बदल दिया, तब ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये अपने घर परिवार के साथ ही काम करेगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है यार। अरे संजू बाबा, कैसे कर रहे हो, सो रहे हो क्या? ZnCl4-2 है, और ZnCl4-2 के बारे में बात करोगे तो जिंक का क्या है, +2, और +2 में बात करोगे तो D10, D10 में अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, E में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। जब आप निकालने जाओगे कितना माइनस जो आपका है कैलकुलेट, जब आप करने जाओगे तो 0 ना आएगी यार, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, डी कैसे होगा भाई मेरे। हाँ बताइए, डी कैसे होगा, बोलो बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा।
इसका बताना है आप किसके बारे में? FeCl4, FeCl4 माइनस एंड MnCl4, MnCl4 माइनस टू एंड CO, और आपका क्या है? CuCl4, CO तो किया हम लोगों ने, CuCl4, CuCl4, CuCl4 माइनस टू, ठीक है? ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है, ठीक है? इसमें आप सभी लोगों को बताना है, और ये आपका ऑप्शन डी है। डी मैं क्या यूज कर रहा हूं? NiCl4 माइनस टू, ठीक है? मैक्सिमम CFSC किसकी होगी? मैक्सिमम CFSC किसकी होगी? कमेंट एवरीवन फास्ट, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन किसका होगा? ठीक है, कमेंट करो फटाफट जितने लोग भी हैं। अरे एक ही जीरो होगा, एक जीरो, एक ही जीरो होगा। जीरो एक बार लिख दो, चाहे जीरो चार बार लिख दो, काम उतना ही करेगा। अगर खाली जीरो है तब, अगर किसी और के साथ खड़ा है तब तो कमाल कर देगा, हीरो हो जाएगा फिर। किसने किसने देखी है जीरो मूवी? इसमें बता दो ऑप्शन फटाफट, मैक्सिमम CFSC बतानी है आप लोगों को। सभी लोग ए जीरो, बी, अरे करो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में? मैं दूसरे क्वेश्चन पे भाग जाऊंगा इतना समय लगाओगे तो। इतना टाइम ना है, फटाफट रिप्लाई कर देना चाहिए यार। ठीक है, यस, इसकी वैल्यूज कितनी आएगी? यहां पे जब आप बात करोगे तो आयरन +3 में प्रेजेंस है, और आयरन +3 में प्रेजेंस है तो D5, D5 करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। यहां पे जब आप बात करोगे तो मैग्नीज +2 में प्रेजेंस है, मैग्नीज +2 में प्रेजेंस है तो क्या हो गया? D5। इसके बारे में बात करोगे तो जीरो। यहाँ पे जब बात करोगे तो कॉपर, कॉपर किस में प्रेजेंस है? +2 में प्रेजेंस है। कॉपर का क्या होता है? D10S1, मतलब ये क्या है? D9। और यहाँ पे जब आप बात करोगे तो क्या है आपका? निकिल, निकिल आपका किस में प्रेजेंस है? +2 में प्रेजेंस है। निकिल +2 की बात करोगे तो आपका क्या होता है? D6, ठीक है? जब इन दोनों के कंपेरिजन में कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ए एंड बी 0, ठीक है? कंफर्म सभी कलाकार? निकिल आपका क्या है? सॉरी, D8 होगा ना, ये D6 नहीं होगा, D8 होगा। जब आप इसके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? -0.8 ΔT। और जब आप कॉपर की कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? -0.4 ΔT। यही ना, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा? कंफर्म D6 है, नहीं D8 है, D8 कोमल, D8 है, D8 होगा कोमल। या, मैंने सुधार दिया है, ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफर्म। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या डेल ऑफ कोबाल्ट का आपके पास कॉम्प्लेक्स है ईएन थ्राइस, इस कॉम्प्लेक्स की जो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, डेल वैल्यू जो दी हुई है +3, इसकी जो डेल वैल्यू जो दी है 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है, ठीक है। और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स और है, कोबाल्ट का ही है, F6 है, ठीक है। और जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, अरे आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो यार, ठीक है, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप उस तरीके से कर रहे हो खाली, ठीक है। जब इसके बारे में जब हम बात करेंगे, कोबाल्ट F6 के बारे में जब हम बात करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, +3 है, और इसकी जो वैल्यूज दे रखी है वो 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है। आपको किसकी पता करनी है, डेल ऑफ, आपको किसकी पता करनी है, आपको पता करना है डेल फॉर कोबाल्ट, ठीक है, F3 एंड कोबाल्ट F3 के बाद हम बात करें, सॉरी F2 ले, कोबाल्ट F2 ले, और क्या ले, EN ट्वाइस ले, ठीक है। इसके बारे में आपको पता करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये कैसे पता करोगे, ठीक है, ये कैसे पता करोगे। अरे वो दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो संदीप, तुम संदीप आप वैसे कैलकुलेट कर रहे हो, वी आर यूजिंग ये वाला टर्म्स यूज कर रहे हैं हम लोग नॉर्मली। हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपका जो -0.4 इंटू ई +0.6 इंटू टी वाले से कर रहे हैं, आप वो वाला यूज कर रहे होगे, नॉर्मलाइज्ड करोगे सेम आएगा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज्ड मत हो। ये क्वेश्चन करना है आप, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन दो कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यूज दे रखी है, फिर इसमें से लीगेंड निकाल के इन्होंने ये नया कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब पूछ रहे हैं कि भैया इसमें इसकी वैल्यूज कितनी होगी, इस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, सॉल्व करो। देखो इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, इसका सब फॉर्मूला क्या है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये Ml6 है, इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। Ml6 है, N प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स कौन है आपका, Ml, M1/6 कोई भी लिगेंड है, 1/6, ठीक है, 1/6 कोई भी लिगेंड है, ये भी N प्लस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और इसके डेल की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के डेल की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, इसके डेल की वैल्यूज पता है, ये पहले सुन लो बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, आपका कोई Ml6 है और M1/6, इस दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके डेल की वैल्यूज हमें पता है। तो हम नेक्स्ट जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो अगला आपका कॉम्प्लेक्स जो आपका मिल रहा है, कैसा, एम एल थ्री और 1/3, 1/3 लिगेंड आप हम ले ले रहे हैं यहाँ से, 1/6, 1/3 लिगेंड जो है यहाँ से ले ले रहे हैं, यहाँ पे 6 लिगेंड थे, हमने 1/3 लिगेंड ले लिया, ठीक है। इसकी कैलकुलेट अगर मुझे करनी हो CFSC, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जब इसकी CFSC कैलकुलेट करनी है, तो हाउ वी कैलकुलेट, ये देखो आरजू ने कैलकुलेट करके बता दिया क्या भैया, हाउ वी कैलकुलेट, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है।
कंफर्म कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप लिख लेना, ठीक है। जब इसके बारे में बात करेंगे, डेल ऑक्टाहेड्रल आपका क्या हो जाएगा, डेल ऑक्टाहेड्रल आपका क्या हो जाएगा, इसमें कुछ बदल गया है, रुक जाओ, इसको बाद में लिखवा देंगे, इसमें कुछ चेंज हो गया है। हाफ करके सेपरेटली फिर ऐड, ना 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 ना, ठीक है। इसे पहले आप कैसे लिख लोगे, आओ इसका डेल जब आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन राइट इन दिस वे, क्या ML सिक्स माइनस पी, ML सिक्स माइनस पी, ठीक है। फिर आपका क्या 1/p, ये चीज, और N आपका क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका फॉर्मूला आप लिख लेना, डेल कैलकुलेट करने का मैं यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। देख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सिक्स माइनस पी अपॉन, सिक्स माइनस पी अपॉन, जब आप सिक्स माइनस पी अपॉन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस पी अपॉन सिक्स, डेल नॉट, डेल नॉट किसका, एमएल सिक्स का, ठीक है। डेल नॉट ऑफ एम एल सिक्स प्लस पी बाई सिक्स, डेल नॉट पी बाई सिक्स, डेल नॉट एम 1/6 वाले का, ये रख के कैलकुलेट कर लोगे। ये फार्मूला आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसपे और भी सारे क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ऑटोमेटिकली आपका एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, सारे कलाकार समझे, समझ गए कि नहीं। ओके, तो इसे कैलकुलेट जब आप करोगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। इस पे और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, और एग्जाम्पल जो हैं इसके, इनके और एग्जाम्पल्स करेंगे। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट क्लास में, ओके। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।